subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sarabda Sattar Khan 2.3 The Inch K Prog. आपका हमारे इस YouTube चैनल में इस्तकबाल है. उम्मीद है पिछले वीडियो आपको पसंद आया होगा. हमने इससे पहले आइस ब्रेकर्स करे थे, आज हम द इंच के प्रॉक इसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन भी करेंगे और इसे समझने की कोशिश भी करेंगे. तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम जो इसके पोएट है उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, रॉबर्ट साउथी. ये रॉबर्ट साउथी 1774 to 1843, ही वॉज बॉर्न इन ब्रिस्टल इंग्लैंड, यानी वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में पैदा हुए. ही वॉज द सन ऑफ ए ड्रैपर, वो एक ड्रैपर के लड़के थे. एजुकेटेड एट वेस्टमिनिस्टर स्कूल एंड बेलियॉल कॉलेज ऑक्सफोर्ड. और उनका एजुकेशन कहाँ पर हुआ, वेस्टमिनिस्टर के स्कूल में हुआ और ऑक्सफोर्ड में उनका कॉलेज की पढ़ाई हुई. ही वॉज अ पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड फ्राम 1813 to 1843. और वो इंग्लैंड में 1813 से 1843 तक के बहुत ही ज़्यादा पसंद किए गए पोएट है. सम ऑफ हिज शॉर्ट पोएम्स लाइक द स्कॉलर, द बैटल ऑफ ब्लेनहाइम, बिशप हैटो, द इंच के प्रॉक एक्सेट्रा आर वेरी पॉपुलर विद द स्कूल चिल्ड्रन. अब उनकी जो बेस्ट पोएम थी जैसे कि द स्कॉलर, द बैटल ऑफ ब्लेनहाइम, बिशप हैटो, द इंच के प्रॉक, ये स्कूल चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी. अब हम देखेंगे द इंच के प्रॉक क्या है. द इंच के प्रॉक इज़ अ बल्लाड. द इंच के प्रॉक क्या है, ये एक बल्लाड है. बल्लाड किसे कहते हैं, ये इसमें कोई तारीख़ी वाक़या स्टोरी बताते हैं, यानी कि ये एक मसनवी के तरीके से होती है. उर्दू में जिसे आप मसनवी कहते हैं तो ये उस टाइप का एक पोएम होती है. इट्स द स्टोरी ऑफ 14th century अटेम्प्ट बाय द एबट ऑफ एबरब्रॉथक टू इंस्टॉल अ वार्निंग बेल ऑन इंच केप, अ नोटोरियस सैंडस्टोन रीफ अबाउट 11 miles और 18 kilometers ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ एंगस स्कॉटलैंड नियर डंडी एंड फाइफ ऑक्यूपाइड बाय द बेल रॉक लाइट हाउस. अब ये जो इंच केप रॉक है, ये पोएम जो है ये 14th century में एबट ऑफ एबरब्रॉथक, ये हेड प्रीस्ट थे एबरब्रॉथक के, जिन्होंने ये इंच के बेल को वहाँ पर वार्निंग बेल को लगाया था इंच के रॉक पर. और वो रॉक कैसी थी, नोटोरियस सैंडस्टोन रीफ अबाउट 11 miles, ये 18 kilometers दूर थी. ये ईस्ट कोस्ट ऑफ एंगस जो नॉर्दर्न इंग्लैंड का स्कॉटलैंड इलाका है वहाँ पर इसके नज़दीक में 18 kilometers की दूरी पर था ये इंच के रॉक. और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और ये वहाँ से लाइट हाउस भी बहुत दूर नज़र आता है. साउथी वॉज इंस्पायर्ड बाय द लेजेंडरी स्टोरी ऑफ अ पायरेट हु रिमूव्ड द बेल ऑन द इंच के प्रॉक प्लेस्ड बाय द एबट ऑफ एबरब्रॉथक. अब ये साउथी ने जो है ये उनको इंस्पिरेशन मिला था, एक लेजेंडरी स्टोरी थी पायरेट की, ये पायरेट के बारे में हम पोएम में पढ़ेंगे. तो उसने क्या किया था, वो इंच के बेल जो लगा था वार्निंग बेल उसे निकाल दिया था. और वो जो एबरब्रॉथक का जो एबट था यानी हेड प्रीस्ट था, उसको वो एक किस्म का उसे तकलीफ देना चाहता था. द पोएम गिव्स अस अ मैसेज दैट दोज हु डू रॉन्ग थिंग्स आल मीट विद ड्यू पनिशमेंट. यानी इस पोएम में एक मैसेज दिया गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो गलत करेगा उसको उसका नतीजा भी गलत ही मिलने वाला है. तो ये इंच के प्रॉक ये ऐसा है कि यानी एक जगह जो है वो बहुत छोटी होती है इंच के जैसी, और वैसे ही वो रॉक नीचे से ऊपर से नज़र आता है लेकिन नीचे बहुत बड़ा है, और वो रॉक चट्टान ऐसा है कि वो अच्छे अच्छे जहाज़ों को डुबोने की ताकत रखता है. चलिए इसका लाइन बाय लाइन इसका ऐसे पढ़ेंगे. थोड़ी सी बड़ी पोएम है, इसमें कुल 17 stanzas है और ये पोएम जो है ये एक बल्लाड है. इसे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. द इंच के प्रॉक, नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी, यानी दरिया हवा में और दरिया में कहीं भी तलातुम नहीं है, हलचल नहीं है. स्टर होना यानी हलचल नहीं होना, एक जगह रुक जाना. नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी, ना ही
हवा में कोई हलचल है, तलातुम में है हलचल है, और ना ही समंदर में कोई तलातुम है, कोई हलचल है, समंदर एकदम शांत है। द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, और जो जहाज़ है वो इतना साकित है, जामिद है, जैसे कि उसे होना चाहिए और जैसे कि उसे शांत होना चाहिए। हर सेल्स फ्रॉम हेवंस रिसीव्ड नो मोशन, और वो ऐसा तैर रहा है जैसे कि आसमानों की तरफ से आने वाली जो हवाएं हैं उसे बहुत ही खुश इसलोबी से लेकर आगे बढ़ रही है। हर कील वॉज स्टडी इन द ओशन, और उसका कील यानी उसका निचला हिस्सा जो है समंदर में बहुत ही ज़्यादा स्टडी है, यानी जमा हुआ है, बेहतर से थमा हुआ है। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ द शॉक, यानी विदाउट आइदर साइन, कोई निशानी और साउंड और कोई आवाज़ ऑफ द शॉक या किसी किस्म की आवाज़ के बगैर, विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ द शॉक द वेव्स लोड ओवर द इंचकेप रॉक। अब ये देखिए, किसी किस्म की साइन नहीं है, किसी किस्म का आवाज़ नहीं है, कोई शॉक नहीं है। द वेव्स यानी लहरें, फ्लोड ओवर ये बह रही है, ओवर द इंचकेप रॉक, इंचकेप रॉक के ऊपर से बह रही है। सो लिटल दे रो सो लिटल दे फेल दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल। ये लहरें ऐसे उठती हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठती हैं और थोड़ा नीचे की तरफ जाती है। दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल, और वो इंचकेप बेल तक नहीं छू पा रही है, क्योंकि इंचकेप बेल अगर को छुएगी तो वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करेगी जब पानी में जाएगी तो। द एबट ऑफ एबरब्रॉथॉक हैड प्लेस्ड दैट बेल ऑन द इंचकेप रॉक। अब ये द एबट, एबट किसे कहते हैं, एबट कहते हैं हेड ऑफ एबी ऑफ मंक्स, यानी ये एबी क्या होता है, ये जहाँ पर चर्च की एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो सिस्टर्स और जो वहाँ पे मज़हबी तालीम हासिल करने वाले जो स्टूडेंट्स आकर रुकते हैं, मंक्स और नंस, तो वो जो रहते हैं, मठ कह सकते हैं आप उसे, एबे मठ रहती है, तो उसका जो मठ का जो मठाधीश होता है, हेड प्रीस्ट होता है, तो उसे एबट कहते हैं। और कहाँ का है वो, एबरब्रॉथॉक का है। द एबट ऑफ एबरब्रॉथॉक हैड प्लेस्ड दैट बेल ऑन द इंचकेप रॉक, ये एबट ऑफ एबरब्रॉथॉक ने ये बेल को कहाँ पर लगाया, इंचकेप रॉक के ऊपर लगाया। ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग, बॉय ये देखिए BOY फ्लोट, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट यानी वो तैरती है, फ्लोट करती है। एंकर्ड इन द सी टू मार्क डेंजरस प्लेसेस, ये इस तरीके से लगाया है कि वहाँ पर वो डेंजरस प्लेसेस को प्लेस है बोल के वहाँ पर वो बचती रहती है, और कोई जहाज़ वहाँ से गुजरे तो उसे इशारा दे देती है। ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग, जब तूफान आता है तो तैरती है और ज़ोर ज़ोर से बचती है। एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग, और जब वो उसकी लहरें चलती है, तूफ़ानी लहरें आती है, तो तूफ़ानी लहरों में क्या होता है, वो तैर कर ज़ोर ज़ोर से बजने लगती है। ये क्या बजने लगती है, इंचकेप बेल बजने लगती है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, ये हमारा फोर्थ स्टैंजा है। व्हेन द रॉक वॉज हिट बाय द सर्जेस वेल, अब जब रॉक जो है, रॉक यानी जो चट्टान है, व्हेन द रॉक वॉज हिट, जब चट्टान छुप जाती है, हिट जाना, हिट यानी हाइट से बनाया, हिट यानी छुप जाना, बाय द सर्जेस वेल, और ये सर्ज करना यानी जब तेज़ी से कोई लहरें पानी की चलती है तो उसे कहते हैं सर्ज स्वेल, यानी सडन एंड ग्रेट राइज इन द लेवल ऑफ द सी, अचानक समंदर के पानी का बढ़ जाना। द मरीनर्स हर्ड द वार्निंग बेल, और मरीनर यानी कि जो मल्लाह होते हैं, पानी में चलने वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो वार्निंग बेल को सुनते हैं। एंड देन दे न्यू द पेरिलियस रॉक एंड ब्लेस द एबट ऑफ एबरब्रॉथॉक, और फिर वो जैसे ही वो सुनते हैं वार्निंग बेल को, वो जान जाते हैं कि यहाँ पर ख़तरनाक पेरिलियस यानी ख़तरनाक रॉक है। एंड ब्लेस द एबट ऑफ एबरब्रॉथॉक, और वो ब्लेसिंग्स देते हैं, दुआएं देते हैं किसे, एबट ऑफ एबरब्रॉथॉक, हेड प्रीस्ट को, जो एबरब्रॉथॉक का हेड प्रीस्ट है उसे दुआएँ देते हैं। द सन इन हेवन वॉज शाइनिंग गे, ऑल थिंग्स वेयर जॉयफुल ऑन डैट डे,
The sea birds screamed as they wheeled round, and there was joyance in their sound. अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है, यहाँ पर रॉबर्ट साउथी कहते हैं कि जो सूरज है वो पूरी तरीके से चमक रहा था आसमान में. All things were joyful on that day. और उस शाम तमाम चीज़ें, बड़ा सुहाना मौसम था, तमाम चीज़ें खुशी देने वाली थी. The sea birds screamed as they wheeled round. और समंदरी परिंदे जो थे वो चहचहा रहे थे, चीख रहे थे और गोल गोल चक्कर लगा रहे थे. And there was joyance in their sound. और उनकी आवाज़ में एक किस्म की खुशी थी. The boy of the Inchcape Bell was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rower walked his deck and he fixed his eye on the darker speck. The boy of the Inchcape Bell was seen. यानी ये जो Inchcape Bell है उसका boy यानी तैरना, float करना, ये किसने देखा? Was seen. कैसा नज़र आ रहा था? A darker speck. Speck यानी कि काला धब्बा. ऑन द ओशन ग्रीन, ये गहरे ही हरे समंदर पर एक काले धब्बे की तरह नज़र आ रहा था. सर राल्फ द रोवर वॉक्ड हिज डेक. अब वहाँ पर कौन आया? सर राल्फ द रोवर आया. वो डेक यानी अर्शा, यानी जो जहाज़ होता है उसका ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ पर अक्सर लोग खड़े रहकर समंदर का नज़ारा करते हैं, उसे डेक कहते हैं. सर राल्फ द रोवर वॉक्ड हिज डेक and he fixed his eye on the darker speck. और जब सर राव द रोवर डेक पर पहुंचा, अर्शे पर पहुंचा, तो उसने अपनी आंखें उस काले धब्बे पर, डार्कर स्पॉट पर, डार्कर स्पेक पर जमा दी. He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. He felt the cheering power of spring. और उसने महसूस किया, felt यानी महसूस किया, the cheering power of spring, मौसम बहार का खुशियों भरी ताकत, जो उसे ताकत देती है मौसम बहार की हवा, जो सुहानी हवा है उसे ताकत दे रही है, उसको उसका एहसास हो गया. किसे? सर राल्फ रोवर को हो गया. It made him whistle, it made him sing. और इसकी वजह से क्या हुआ? वो सीटियाँ बजाने लगा, गीत गाने लगा, गुनगुनाने लगा. हिज हार्ट वॉज मिर्थफुल टू एक्सेस. और उसका दिल जो है वो खुशी के मारे भर गया था. एक्सेस यानी बहुत ज़्यादा भर जाना. मिर्थफुल ये दिल खुशी से भर जाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है. और बट द रोवर्स मिर्थ वॉज वॉज विकेडनेस. लेकिन सर राल्फ रोवर की जो मिर्थ थी यानी बहुत ज़्यादा खुशी थी, वो कैसी कह किस वजह से आती थी? वो उसके विकेडनेस की वजह से आती थी. विकेडनेस यानी उसका कमीनापन. वो अपने कमीनेपन के ऊपर बहुत खुश हो रहा था. अब ये सर राल्फ रोवर क्या कहता है, क्या सोचता है देखेंगे. हिज आई वॉज ऑन द Inchcape फ्लोट, कॉट द ही मै माई मैन पुट आउट द बोट एंड रो मी टू द Inchcape रॉक and I will plug the abbot of Aberbrothock. क्या कहा उसने? उसने कहा his eyes was on the Inchcape float, जो Inchcape rock पर जो बेल तैर रही थी उसके ऊपर उसकी आंखें जम गई थी. Caught he my men put out the boat. उसने quote किया. quote करना यानी ये 18th century की जो poems होती है उसमें ये सैड के लिए वर्ड यूज़ करते हैं कोथ. तो उसने कहा माई मैन, मेरे आदमियों, पुट आउट द बोट, कश्तियाँ निकालो. बा ये छोटी कश्ती के लिए इस्तेमाल, बड़े जहाज़ों में अक्सर छोटी कश्तियाँ होती हैं, तो छोटी कश्ती निकालने के लिए कहा. एंड रो मी टू द Inchcape रॉक, और मुझे Inchcape रॉक तक ले चलो. एंड आई विल प्लग द एबट ऑफ Aberbrothock, और उसने कहा कि मैं दुख देने वाला हूँ, तकलीफ़ देने वाला हूँ, सज़ा देने वाला हूँ. प्लाग यानी तकलीफ़ देना. किसे? द एबट ऑफ Aberbrothock. Aberbrothock के जो हेड प्रीस्ट है, एबट है, उसे वो तकलीफ़ देने वाला है. क्यों? क्योंकि उसने वहाँ पर Inchcape बेल लगाई है ताकि लोग कोई डूबे ना, तो परेशान ना हो और लोग उसे दुआएं ना दें. द बोट इज लोअर्ड, द बोट मैन रो एंड टू द Inchcape रॉक दे गो. द बोट इज़ लोअर्ड, द बोट मैन रो एंड टू द Inchcape रॉक दे गो.
Sir Ralph went over from the board and he cut the bell from the Inchcape float. अब क्या हुआ, बोटमैन ने क्या किया, कश्ती निकाली और कश्ती लेकर वो कहाँ पर पहुँचे, इंचकेप रॉक तक पहुँचे। एंड सर राल्फ वेंट ओवर फ्रॉम द बोट, सर राल्फ ओवर क्या हुआ, वो झुक गया बोट के ऊपर से और उसने अपनी तलवार निकाली और इंचकेप बेल को काट दिया, इंचकेप फ्लोट को काट दिया। डाउन संग द बेल विथ ए गर्गलिंग साउंड, द बबल्स बोज एंड बर्स्ट अराउंड। गर्गलिंग साउंड, ये यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच ऑनोमेटोपोया इस्तेमाल किया गया है। डाउन संग द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड, द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड। क्या कह रहा है वो, डाउन संग द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड, बेल वहाँ पर एक गर्गलिंग साउंड यानी डूबने की आवाज़ के साथ डूब रही है, सिंक तो ये डूब जाना। द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड, और उसके जो बबल्स है, उसके जो बुलबुले हैं, वो बुलबुले कैसे हो रहे हैं, बाहर निकल कर फट रहे हैं। द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड, कॉट सर राल्फ द नेक्स्ट हू कम्स टू द रॉक वोंट ब्लेस द एबट ऑफ एबर ब्राथॉक। तो उसके बाद में सर राल्फ रोवर क्या कहता है, अब यहाँ पर जो भी आएगा इस रॉक पर तो वो दुआएं नहीं देगा, किसे, एबट ऑफ एबर ब्राथॉक को बिल्कुल भी दुआएं नहीं देगा। ये थोड़ी पोएम बड़ी है, इसे पूरी पोएम को हमें समझना है तो हमारे साथ बने रहिए। सर राफ द रोवर सेल्ड अवे, सर राफ द रोवर सेल्ड अवे, ही स्कॉर्ड द सीज ऑफ आर मेनी अ डे एंड नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर्ड स्टोर ही स्टीयर्स दिस को हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर्स। अब सर राल्फ रोवर क्या हुआ, सेल्ड अवे यानी वहाँ से वो अपनी कश्ती लेकर चला गया। ही स्काउट द सीज फॉर मेनी डेज, और वो बहुत दिनों तक आज़ादी से समंदर में घूमता रहा। एंड नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर्ड स्टोर, और उसने क्या किया, प्लंडर्ड स्टोर यानी बहुत सारी लूट को जमा किया। प्लंडर यानी लूट का, लूट लेना, स्टोर यानी जमा करना, ग्रोन रिच यानी बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर, और उसने स्टीयर्स यानी उसने अपना रास्ता मोड़ दिया, डायरेक्ट्स द कोर्स ऑफ शिप यानी उसने अपना रास्ता मोड़ दिया, किधर, स्कॉटलैंड के शोर की तरफ, स्कॉटलैंड के किनारे की तरफ उसने अपना रास्ता मोड़ दिया, किसने, सर राफ द रोवर ने। सो थिक अ हेज ओ स्प्रेड्स द स्काई, दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई, द विंड हैथ ब्लून अ गेल ऑल डे, एट इवनिंग इट हैथ डाइड अवे। सो थिक अ हेज ओ स्प्रेड्स द स्काई, उसने क्या कहा, अब देखिए जब वो स्कॉटलैंड की तरफ पलटा तो वो एक बहुत घना कोहर फॉग छाया हुआ था, हर तरफ आसमान बिल्कुल उसके गहरे कोहर से या फिर फॉग से छुपा हुआ था। दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई, और वो आसमान ही नहीं देख पा रहे थे, इतना अंधेरा था। द विंड हैथ ब्लोन अ गेल ऑल डे, और पूरा दिन हवा तेज़ी से बह रही थी जैसे कि कोई तूफान आ रहा है। द विंड हैथ ब्लोन, ब्लोन यानी बहना, अ गेल ऑल डे जैसे कि तूफान है। At evening it hath died away, लेकिन जैसे ही शाम आई ये जो तूफ़ानी हवाएं चल रही थी वो अचानक शांत हो गई, रुक गई, जैसे कि उन्हें मौत आ गई हो। On the deck the rover takes his stand, अब क्या हुआ, सर राफ द रोवर क्या हुआ, वो जाकर डेक पर यानी अर्शे पर खड़ा हो गया। So dark it is there, so no land, इतना अंधेरा था कि उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, कोई ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। Caught Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. अब यहाँ सर राफ द रोवर ने क्या कहा कि बहुत जल्द रोशनी हो जाएगी, क्योंकि अब चांद निकलने वाला है, दिन में सूरज निकला नहीं तो रोशनी नहीं मिली, अब देखिए और चांद का इंतज़ार कर रहे हैं। Cast ears at one the breakers roar, for me thinks we should be near the shore. Now where we are I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell.
कांस्ट हियर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सेड वन द ब्रेकर्स रोर। यानी ये ब्रेकर्स रोर, यहाँ जहाँ पर इंच के प्रॉक टूटती है वहाँ पर उन्हें एक रोर, ये शेर के धारने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पानी जब चट्टानों से टकराता है तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ करते हैं। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, फॉर मी थिंग्स वी शुड बी नियर द शोर। और उसने कहा कि मैं सोचता हूँ कि हम समंदर के किनारे यानी ज़मीन के नज़दीक है, शोर के किनारे यानी समंदर का किनारा जहाँ होता है साहिल समंदर, उसके नज़दीक है। नाउ वेयर वी आर आई कैनॉट टेल, मैं तो बिल्कुल नहीं समझ सकता कि हम कहाँ हैं, मुझे यह सही समझ नहीं आ रहा है। बट आई विश आई कुड हियर द इंच के बेल। अल्लाह, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, वहाँ पर उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि काश मैं इंच के बेल को यहाँ सुन पाता, अगर मैं इंच के बेल को सुन पाता तो फिर मैं अपने रास्ते को सही दिशा दे पाता। दे हियर नो साउंड, द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं सुनी, बिल्कुल भी उन्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई देने लगी, और ये कोई उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें बहुत ताकत से धकेल रहा है। दो द विंड हैथ फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग, और जो हवाएं तेज़ी से चल रही थी वो उन्हें क्या कर रही थी, ड्रिफ्ट कर रही थी, ये ड्रिफ्टिंग यानी कश्ती को ढकेलना, तो वैसे ही हवा उन्हें क्या कर रही थी, अपने ज़ोर से ताकत से ढकेल रही थी। दो द विंड हैथ फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग टिल द वेसल स्ट्राइक्स विद अ शिवरिंग रॉक। वेसल क्या है, वेसल यानी जहाज़ का जो निचला हिस्सा होता है, बड़ा हिस्सा होता है, जैसे कि कील या नया कील होता है, वैसा ही ये भी है। तो क्या कह रहे हैं, टिल द वेसल स्ट्राइक्स विद अ शिवरिंग रॉक, एक बहुत ही ताकतवर चट्टान से उनका वेसल टकरा गया। स्ट्राइक्स यानी टकरा जाना। ओ क्राइस्ट इट इज़ द इंच केप रॉक, और अचानक सबकी ज़बानों से निकला ओ क्राइस्ट, ओ जीसस क्राइस्ट। ये अक्सर मुसीबत के वक्त वो जो क्रिश्चियन लोग हैं इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ओ क्राइस्ट इट इज़ द इंच केप रॉक। तो उन्हें याद आ गया कि यहाँ पर इंच केप रॉक थी और उन्हें वो इंच केप रॉक तक पहुँच गए हैं। सर राफ द रोवर टोर हिज हेयर, ही कर्स्ड हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर, द वेव्स रश इन एवरी साइड, द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड। सर राफ द रोवर क्या कर रहा है, वो झुंझला गया है और झंझलाहट में क्या कर रहा है, अपने बाल नोच रहा है। सर राफ द रोवर टोर हिज हेयर, अब वो सर राफ द रोवर क्या कर रहा है, अपने बालों को नोच रहा है। ही कर्स्ड हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर, और वह अपने आप को कर्स कर रहा है यानी बद्दुआ दे रहा है, श्राप दे रहा है कि झंझलाहट में कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों इंच के पेल को तोड़ा था, उसे अब पछतावा हो रहा है। द वेव्स रश इन एवरी साइड, अब जो समंदर की जो लहरें थी वो हर तरफ से उठ उठ कर आ रही थी। द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड, और जो समंदरी जहाज़ था वो डूब रहा था, बीनीथ द टाइड यानी उन लहरों के नीचे, बीनीथ यानी नीचे के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट इवन इन हिज डाइंग फियर, लेकिन अपने मौत के खौफ में भी वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर, अब जो सर राफ रोवर था उसने एक बहुत ही खौफनाक आवाज़ सुनी, ड्रेडफुल साउंड यानी खौफनाक आवाज़ सुनी, अ साउंड एज इफ विद द इंच के बेल, एक ऐसी आवाज़ जैसे कि वो इंच के बेल की आवाज़ आती थी। द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल, अब डेविल क्या कर रहा है, डेविल यानी मौत का फरिश्ता, जिसे आप शैतान भी कह सकते हैं, तो मौत का फरिश्ता, माफ़ कीजिएगा, शैतान नहीं होता, ये डेविल शैतान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो मौत का फरिश्ता अलग चीज़ है। द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल, और शैतान उनकी जो एक नेल यानी कि एक द साउंड ऑफ अ बेल रंग सोलमली आफ्टर डेथ और अ फनरल ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ डेथ, यानी जब फनरल होता है मरते वक्त बजाए जाने वाली एक आवाज़ है, एक घंटी है, जिसे यहाँ पर यूज़ किया है। द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल, यानी डेविल वहाँ पर नेल बजा रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।